हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग सेमाफोर। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को वेकअप कॉल्स भेज रहा था, और अगर कंज्यूमर उस टाइम पे प्रीएम्प्ट होया हुआ था तो ये वेकअप कॉल्स जो है वेस्ट हो रही थी। इससे डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हुआ था, जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था। इस चीज को जो है ठीक करने के लिए हम लोग सेमाफोर को यूज करते हैं। सेमाफोर जो है बेसिकली एक वेरिएबल है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब भी उसको कंज्यूमर को वेकअप कॉल भेजना रहेगा, वो अपने वेकअप कॉल्स को एक वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो जितनी बार उसको वेकअप कॉल भेजना रहेगा, वो सबको जो है इंटीजर वेरिएबल में, यानी कि सेमाफोर में स्टोर करता रहेगा। और जैसे ही कंज्यूमर वापस आएगा प्रीएम्प्ट होकर, तो वो स्लीप होने से पहले जो है सेमाफोर को एक बार चेक कर लेगा। तो इससे जो है डेडलॉक की सिचुएशन अराइज नहीं होगी। ओके, तो काउंटिंग सेमाफोर हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये जो वेरिएबल है सेमाफोर, जिसमें प्रोड्यूसर वेकअप कॉल को स्टोर करता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है काउंटिंग सेमाफोर और दूसरा बाइनरी सेमाफोर। सो काउंटिंग सेमाफोर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ काउंटिंग सेमाफोर क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्ट सेमाफोर, तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें है इंट वैल्यू, इंट मतलब इंटीजर, और वैल्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काउंटिंग सेमाफोर में क्या है ना, देखिए हम लोग को ये हमारा एंट्री सेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है क्रिटिकल सेक्शन, और फिर लास्ट हमारा होता है एग्जिट सेक्शन। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा एंटर नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन काउंटिंग सेमाफोर में हम लोग क्या चाहते हैं ना, कि हम लोग चाहते ही हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करे। मतलब हम लोग खुद से चाहते हैं कि प्रोसेस एंटर करे, कितने प्रोसेस एंटर करे, एन नंबर ऑफ प्रोसेस हम लोग चाहते हैं एंटर करे। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो गया। जब हम लोगों ने लॉक वेरिएबल का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते थे, लेकिन काउंटिंग सेमाफोर में एन नंबर ऑफ प्रोसेस ही एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि तीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे, तो सिर्फ तीन ही प्रोसेस एंटर करेंगे। अगर चौथा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहेगा, तो एंट्री सेक्शन का कोड जो है उसको एंटर करने नहीं देगा। तो ये हुआ काउंटिंग सेमाफोर। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन स्ट्रिक्टली चाहिए, मतलब एक ही प्रोसेस हम लोग चाहते हैं सेमाफोर में, सॉरी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेमाफोर है, जो वेरिएबल है ना एस, इसकी वैल्यू को हम लोग वन कर देंगे। ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर सेमाफोर की वैल्यू को वन रखे, इसका मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए, और अगर एक से ज्यादा रखे हैं, दो या दो तीन चार हंड्रेड जितना भी रखे, मतलब उतना प्रोसेस हम लोग चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में के अंदर जाए। अब ऐसा क्यों चाहते हैं, मे भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास जो है 100 प्रिंटर्स है। अब 100 प्रिंटर्स है तो हम लोग चाहेंगे कि 100 जो है प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेमाफोर की वैल्यू को 100 कर देंगे, और चाहेंगे कि 100 जो है प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो ये बस सिनेरियो की बात है, हम लोग चाहते हैं जितना प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना, उतना उस हम लोग सेमाफोर की वैल्यू को कर देंगे। ओके, अब ये तो हो गया एंड, जितना प्रोसेस अंदर जाना चाहेगा वो उसमें रहेगा। और दूसरा है क्यू टाइप एल, इसका मतलब क्या है ना, कि अगर जितना भी प्रोसेस हमने असाइन किया, समझ लीजिए यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू को हम लोग क्या किया है, 3 रखा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 3 रखा है, सो काट दे रहे हैं। तो तीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तीन का मतलब क्या है कि तीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। अगर चौथा प्रोसेस एंटर करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये काउंटिंग सेमाफोर जो है ये विदाउट बिजी वेटिंग पे है, तो चौथा प्रोसेस जो रहेगा वो एंट्री सेक्शन में बार बार जो है उसको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। काउंटिंग सेमाफोर क्या करेगा, एक क्यू में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम हमने लिया है एल, यानी कि वो फोर्थ वाला जो प्रोसेस रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे ये डाउन का सेक्शन और ये अप का सेक्शन। डाउन का सेक्शन मतलब जब भी किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना रहेगा, तो डाउन का सेक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना है तो अप का सेक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब लोग हम यहाँ पे देख लेते हैं डाउन सेमाफोर एस। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो एस डॉट वैल्यू, एस डॉट वैल्यू को हम लोग एस डॉट वैल्यू माइनस वन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार से, यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे ये एल जो क्यू है हमारा, यानी कि जो प्रोसेस ब्लॉक हो रहे हैं। सेमाफोर की वैल्यू को हमने एल लिया है, सॉरी 3 लिया है, जिसमें हम लोग चाहते हैं तीन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो अब हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
पहला प्रोसेस P1 चाहता है ये क्रिटिकल सेक्शन में जाए, तो क्रिटिकल सेक्शन में जाना है इसका मतलब डाउन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पहला लाइन है कि एस की वैल्यू को एक माइनस कर दो, तो एस की वैल्यू में से एक माइनस कर दी, ये हो गया 2। तो अगर जैसे ही माइनस किए उसके बाद क्या है, इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0, तो क्या लेस देन 0 है, 2 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला इफ का जो है सेक्शन काम नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। इसमें क्या है रिटर्न, मतलब प्रोसेस, पहला प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। सेकेंड, अब दूसरा प्रोसेस फिर से जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, तो फिर से वो क्या करेगा, एस की वैल्यू को एक कम कर देगा, एस की वैल्यू को उसने कम करके 1 कर दिया। उसके बाद वो चेक करेगा कि लेस देन 0 है, नहीं है लेस देन 0, इसका मतलब ये प्रोसेस P2 जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तीसरा प्रोसेस P3 भी अंदर जाना चाह रहा है, तो उसको क्या, फिर से वो पहले माइनस करेगा इसकी वैल्यू को, सबसे पहले वो प्रोसेस को जो है माइनस करता है, सीमाफोर की वैल्यू को जो है माइनस करता है, तो 1 माइनस किए तो 0 हो गया। सीमाफोर की वैल्यू में 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो 1 था तो उसको एक कम करके 0 कर दिया, जैसे ही 0 किया तो ये लेस देन 0 है क्या, नहीं, ये इक्वल टू 0 है लेकिन लेस देन 0 नहीं है, मतलब P3 प्रोसेस जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। ओके, अब हम लोग क्योंकि चाहते थे तीन ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। ओके, अब इस सिनेरियो में अगर हम लोग चौथा प्रोसेस को अगर इंटर करना चाहे तब देखते हैं क्या होगा, एस को वैल्यू को सबसे पहले चौथा वाला यानी कि P4 प्रोसेस भी जो है एक कम कर देगा। तो ये क्या किया, इसने एक कम करके -1 कर दिया, कर सकता है -1। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, क्या एस की वैल्यू लेस देन 0 है, तो -1 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये वाला कोड चलेगा, पुट प्रोसेस PCB इन L, मतलब ये जो प्रोसेस P4 आया जिसने सीमाफोर की वैल्यू को -1 किया, उसको क्या करना है, पुट कर देना है प्रोसेस को L में यानी कि ये क्यू में, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने दे सकते हम लोग प्रोसेस को, हम लोग P4 को जो है एक क्यू में L में रख दिए, ब्लॉक कर दिए, ये जो है ब्लॉक है P4। इस तरीके से कोई दूसरा P5 प्रोसेस भी अगर आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको माइनस कर देगा, सबसे पहले तो माइनस ही करना है, उसके बाद कंडीशन चेक कर दिए, तो माइनस किया लेस देन 0 है तो उसको भी क्या करना है, P5 को भी ब्लॉक कर दो। तीसरा प्रोसेस आएगा तो उसको भी ब्लॉक कर दो। इस तरीके से जितने भी प्रोसेस आएंगे सबको ब्लॉक होते चला जाएगा। नाउ अब क्या है सिनेरियो, इन प्रोसेस को जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या है, आपका सेक्शन चलेगा, आपके सेक्शन में क्या है, एस डॉट वैल्यू को एस डॉट वैल्यू +1 कर देते हैं। अच्छा, आपका सेक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार ध्यान देखते हैं, ये जब -1 था ना, जब भी सेमाफोर की वैल्यू, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू जो है -1 थी, तो सिर्फ एक प्रोसेस जो है ब्लॉक था। अब जैसे -2 हुआ यानी कि अभी एस की वैल्यू जो है माइनस में कितना है, माइनस में कितना है, 2 है, इसका मतलब 2 प्रोसेस जो है ब्लॉक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है माइनस वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, कितने प्रोसेस जो है ब्लॉक लिस्ट में है, मतलब ब्लॉक हमने किया हुआ है। और पॉजिटिव नंबर क्या इंडिकेट करता है, जैसे सीमाफोर की वैल्यू पहले 3 था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव 3 इंडिकेट ये कर रहा है कि 3 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। जब वो 2 हुआ तो वो ये इंडिकेट कर रहा था कि 2 प्रोसेस और क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। जब 1 हुआ इसका मतलब और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, ये चीज इंडिकेट करते हैं। और माइनस वैल्यू इंडिकेट करता है कितने प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में है। ओके, अब आपका सेक्शन को देखते हैं, P1 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से अब बाहर निकलना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एस की वैल्यू को एक प्लस कर देगा, तो एस की वैल्यू अभी -2 है, उसको एक प्लस करना है, तो प्लस करके क्या कर देगा वो -1। ओके, -1 किया तो P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल गया। अब ये वाला इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू क्या है -1 है, सो -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ ये वाला कोड रन होगा, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम L, एक प्रोसेस को जो है L से सिलेक्ट करो, P4 को सिलेक्ट किए और उसको वेकअप कर दो, सेकंड में वेकअप कॉल है, वेकअप कर दो इसका मतलब वो जगा दो, और ये क्या होगा, P4 यहाँ पे चला जाएगा। इस तरीके से P4 यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो अभी भी एट अ टाइम कितने प्रोसेस है प्रेजेंट क्रिटिकल सेक्शन में, सिर्फ 3 ही, P1 तो बाहर निकल गया, जब P1 निकला तब इंटर हुआ P4। ओके, नेक्स्ट है मान लीजिए P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना है, तो ये वाला कोड फिर से चलेगा, एस की वैल्यू में फिर से एक +1 करते हैं, +1 करेंगे हो जाएगा 0। ओके, तो ये P2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और एस डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 चेक होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, अगर ऐसा है कंडीशन ट्रू है तो फिर से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और उसको वेकअप करना है, तो P5 को सिलेक्ट करेंगे, यहां से ब्लॉक लिस्ट से निकालेंगे, उसको वेकअप करेंगे और P5 को जो है
क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारा उसमें डाल देंगे। तो अभी भी तीन प्रोसेस हमारा एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में है। तो जितनी भी सीमा फोर की वैल्यू रहेगी ना, इसका मतलब उतना ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं कि ऐसा सिनेरियो हो। मे बी अगर आप लोग चाहें तो वन सीमा फोर की वैल्यू को ले तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम लोग गारंटीड है। ओके, एक एट अ टाइम हम लोग जितना प्रोसेस चाहते हैं उतना ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, उससे ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है। और अगर हम लोग एक प्रोसेस ही चाहते हैं कि एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, तो सेमाफोर की वैल्यू को वन कर देंगे, तो मतलब एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। ओके, सेकेंड जो था हमारा प्रोग्रेस, तो हमारा प्रोग्रेस भी जो है इसमें गारंटीड है। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरा प्रोसेस इसको रोकेगा नहीं, यही होता है प्रोग्रेस का मतलब। तो प्रोग्रेस भी गारंटीड है। थर्ड जो हमारा रिक्वायरमेंट था सिंक्रोनाइजेशन का, वो था हमारा बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या था, एक प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को में जाने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वेट नहीं करे, ये था हमारा इसका मतलब, बाउंडेड वेटिंग का मतलब। तो क्या है ना कि यहाँ पे देखिए, जब प्रोसेस एल है यानी कि जब प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में था P4, तो P4 ऐसा नहीं होगा, जब मतलब हम लोग ना क्यू में जो है एक ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे कि जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन जो है खाली होगा, एक प्रोसेस जैसे ही फ्री हुआ, खाली हुआ, जैसे P4 फ्री हुआ था, तो जो हम लोग ब्लॉक लिस्ट से अगर किसी प्रोसेस को वेकअप करेंगे, किसी प्रोसेस को जगा रहे हैं, तो जो प्रोसेस सबसे पहले गया था ना लिस्ट में, उसी प्रोसेस जो है सबसे पहले जगाएंगे। जैसे कि ऐसा नहीं करेंगे कि P1 निकला और P5 को पहले जगा दी, वरना P4 तो बहुत देर तक वेट करता रह जाएगा, तो बाउंडेड वेटिंग हमारी गारंटीड नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं करते हम लोग, जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में जो है ब्लॉक लिस्ट में जो है एंटर करता है, उसी ऑर्डर में है जो हम लोग उसको निकालते हैं। तो ये चीज़ हुआ बाउंडेड वेटिंग, जो कि यहाँ पे गारंटीड है। और आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी की बात करें तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी है। अच्छा, काउंटिंग सेमाफोर में क्या है, काउंटिंग सेमाफोर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्यों डिपेंडेंट है, सेमाफोर की वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डाउन वाले सेक्शन में सेमाफोर की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, और अब के सेक्शन में क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब एक बार जो है डिक्रीमेंट हो रहा है और अब के सेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो एट अ टाइम सेम टाइम पे जो है ऐसे दो प्रोसेस हो सकते हैं जो सेमाफोर की वैल्यू को यानी कि एस की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर रहा है और एक डिक्रीमेंट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जब हमने पढ़ा था सिंक्रोनाइजेशन का फर्स्ट वाला चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेमाफोर इस सिचुएशन में क्या है, रेस कंडीशन अराइज हो सकती है कि एक ही टाइम पे दो प्रोसेस जो है एक ही वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट करना चाह रहा है, एक डिक्रीमेंट करना चाह रहा है। तो इसके कंडीशन में, रेस कंडीशन की वजह से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको यूजर मोड पे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसको हम लोग कर्नल मोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये चीज हुआ। अब देखते हैं डाउन और अप। डाउन और अप क्या है, इसको हम लोग डाउन और अप बोलते हैं। इसके अलावा भी इसके अलग नाम है, इसके नाम है हमारा, एक तो डिक्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं डाउन, इंक्रीमेंट को बोलते हैं अप। इसके अलावा जो है डिक्रीमेंट को हम लोग पी और वी से भी इंडिकेट करते हैं। किसी किसी जगह पे डाउन का सेक्शन को पी लिखा रहता है और आपके सेक्शन में वी लिखा रहता है। नेक्स्ट है, इसको वेट एंड सिग्नल से भी हम लोग बोल सकते हैं, वेट सिग्नल। ओके, तो ये सब जो है अलग अलग नेम्स है, किसी भी नेम से जो है हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, कह सकते हैं। सो काउंटिंग सेमाफोर में इतना ही है। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सेमाफोर। सो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।